Assalamualaikum, मैं हूं इमना और आप सबको वॉइस आर्टिस्ट में वेलकम। आज हम बनाएंगे फोटो फ्रेम, जिसको बनाने के लिए आपको वीडियो के शुरू से आखिर तक देखनी होगी ताकि कोई स्टेप मिस ना हो। फ्रेम बनाने के लिए हमने कार्डबोर्ड के दो एक ही साइज के पीसेस लिए हैं। फ्रेम की टोटल लेंथ 24 सेंटीमीटर है, जबकि इसकी विड्थ 19.5 सेंटीमीटर है। बाकी मेजरमेंट हमने लिखी हुई है। दो पीसेस के अलावा हमने दो से तीन स्ट्रिप्स कार्डबोर्ड की लेनी है, जिससे हमारी तस्वीर फ्रेम में जाएगी। फ्रेम को कवर करने के लिए हमने कलर पेपर लेना है, उसको अच्छे से देख लेना है कि वो हमारे फ्रेम को कवर कर सकता है या नहीं। मैंने इसको अच्छे से कवर करने के लिए बीच से एनवलप शेप में कट किया है। आप भी ऐसे कर सकते हैं ताकि ये अच्छे से फोल्ड होके पेस्ट हो जाए। अब हम फोल्ड कर रहे हैं, चारों तरफ से इसी तरह से करना है। अब हम इसके ऊपर वाले हिस्से में भी आ जाते हैं और इसी तरह से सेम प्रोसीजर से इसको ग्लू से ड्रॉप कर देना है। अब हम दूसरा पीस लेंगे, दूसरे कार्डबोर्ड के पीस को भी इसी तरह से हम कवर करेंगे कलर पेपर से। कलर पेपर सेम ही लीजिएगा, ये हमारा पूरा कवर हो जाएगा। इसमें फोटो जहाँ पे डलती है वो वाला पार्ट हम कवर कर रहे हैं वाइट पेपर से, ताकि हमारा फ्रेम भी फाइन लुक आए। अब हम मज़ीद फिनिशिंग के लिए इस कलर पेपर की स्ट्रिप्स चिपका रहे हैं साइड साइड में। आप चाहें तो इसको दोबारा से एक कोट और दे सकते हैं पेपर का। अब हम पैटर्न बना रहे हैं, मैंने बटरफ्लाई पैटर्न बनाया है, आप भी बना सकते हैं। इसको हम अंदर से कट करेंगे, तो अभी बाहर से कर रहे हैं। अब हमने कैंडी रैपर लिया है, इसके सिल्वर पार्ट को हम लोग यूज करने जा रहे हैं। बटरफ्लाई को हमने कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट, हमने साइड से स्टार्ट किया है इसको। अब हम लीफ बना रहे हैं, इसको ग्लिटर लुक दिया है हमने। साइड साइड से मैंने दिया है ग्लिटर लुक, आप चाहें तो इसका पूरा भी कर सकते हैं। ये हमारा लीफ भी तैयार हो गया है। अब देख रहे हैं हम दूसरी साइड पे आ गए हैं। दूसरी साइड पे भी हम सेम प्रोसीजर करेंगे, बटरफ्लाई से भरेंगे इसको, पूरा फिलअप नहीं करना है। अब हम नीचे वाले पोर्शन के लिए फ्लावर्स बनाएंगे। फ्लावर्स अपने कलरफुल बनाने हैं ताकि हमारा फोटो फ्रेम जो है बहुत उसके आए, और हमने थोड़ी सी ग्रीनरी भी ऐड की है। ग्रीनरी से आपका फोटो फ्रेम में जान आ जाएगी। मच बेटर। अब हम क्लाउडी लुक दे रहे हैं, वो सिर्फ हम ऊपर से देंगे क्योंकि हमारा ऊपर पोर्शन फिल नहीं हुआ है। अब हम डॉटेड पैटर्न बनाएंगे, मैंने नेल पॉलिश से बनाया है, आप चाहें तो किसी भी कलर से बना सकते हैं। अब हम पेस्ट कर रहे हैं कार्डबोर्ड की स्ट्रिप, ताकि हमारी फोटो फ्रेम में तस्वीर इजीली अंदर जा सके। अब हमने इस स्ट्रिप से पेस्ट कर दिया है और हमारा फोटो फ्रेम रेडी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।